इंडिया के अंदर 200 से ज्यादा फैक्ट्रीज है जो स्मार्टफोन्स को बनाती है, और देखा जाए तो इंडिया दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी कंट्री जहां पे स्मार्टफोन्स बनते हैं। लेकिन सच बात तो है कि स्मार्टफोन की इतनी फैक्ट्रीज होने के बावजूद भी आज के समय में स्मार्टफोन असेंबल करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स आते हैं, कुछ चीज़ों को तो हम इंडिया में बनाते हैं लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्पोनेंट्स आते हैं ना, वो आज भी हम इम्पोर्ट करते हैं। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कौन है स्मार्टफोन्स का? चाइना। लेकिन क्या आपको मालूम है कि चाइना भी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बना सकता? अगर उसको मोबाइल फोन के अंदर प्रोसेसर डालना है तो वो भी उसे बाहर से ही मंगाना पड़ता है, और उसके लिए वो रास्ता लेता है ताइवान का, जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली फैक्ट्री है, जो कि है TSMC, जो उसे एडवांस लेवल की चिप्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है। लेकिन सवाल आता है कि जो एडवांस लेवल की जो चिप्स रहती, क्या कभी हम इंडिया में यहाँ पे बना पाएंगे? इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कि करंट में स्टेट क्या चल रही है और मेड इन इंडिया प्रोसेसर हमेशा बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाए। पसंद है इन्फॉर्मेशन लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर जो मोनोपोली है वो है ताइवान की, जहाँ पे दुनिया की 60% चिप्स यहाँ पे बनती है। यानी कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि उस डिवाइसेस के अंदर कोई ना कोई चिप, कोई ना कोई प्रोसेसर यहाँ पे ताइवान से निकला हो। इवन TSMC दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जिसने 50% का मार्केट शेयर ले रखा प्रोसेसर बनाने वाले मार्केट में। यानी कि दुनिया के हर दो में से एक प्रोसेसर कहीं ना कहीं TSMC की फैक्ट्री से यहाँ पर निकला है। इसलिए पूरी दुनिया की जो डिपेंडेंसी है वो TSMC जैसी कंपनी के ऊपर हो गई है। लेकिन क्या इस टाइप की जो फैक्ट्री जो TSMC ने सेटअप करी है, क्या वैसी फैक्ट्रीज कभी इंडिया में आ सकती है? देखो, आ तो सकती है लेकिन इनको लाने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। $20 बिलियन लगता है एक फैब्रिकेशन फैसिलिटी को यहाँ पे लगाने का, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। इवन जिन एडवांस चिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, 3nm चिप्स, 4nm चिप्स, या फिर आने वाले समय उन्होंने प्रॉमिस किया 2nm की चिप्स भी लोग बनाएंगे, इन चिप्स को बनाने के लिए फोटोलिथोग्राफिक मशीन की जरूरत पड़ती है, जिन्हें बनाती है ASML नाम की कंपनी, और एक मशीन की कीमत 20,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ रुपए तक होती है। और ये मशीन्स को लाके यहाँ पे चिप्स को फैब्रिकेट किया जाता है। इनके लिए कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी रहती है और फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लैंड और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके बाद डेफिनेटली चीज़ों को हम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन बात करें तो इंडिया के अंदर आज के समय में फैब्रिकेशन वाले से ज़्यादा दूसरी जगह काम हो रहा है। यानी कि आपको एक बात बताऊं, इंडिया में आज के समय में यहाँ पे चिप डिज़ाइनिंग के ऊपर ज़्यादा काम होता है। पूरी दुनिया के जो चिप डिज़ाइनर्स होते हैं उसमें से 20% इंडिया के अंदर रहते हैं। इवन दुनिया की बड़ी से बड़ी जो कंपनीज रहती हैं वो इंडिया के अंदर अपने R&D सेंटर और चिप डिज़ाइनिंग की फैसिलिटीज़ को ओपन किया। यहाँ तक कि को आप जानते हो, सैन डियागो में उनका R&D सेंटर है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा R&D सेंटर है वो इंडिया के अंदर आता है। यहाँ पे चिप्स को डेवलप और डिजाइन किया जाता है। सैमसंग सेमीकंडक्टर जो TSMC के साथ हेड टू हेड लड़ती है, लेकिन अपनी जो चिप्स जो बनाती है वो कोरिया के अंदर बनाती है, उसके लिए भी R&D सेंटर आज के समय में इंडिया में है। यहाँ तक की बात करें, AMD जैसी कंपनी ने भी यहाँ पे प्रॉमिस किया कि इंडिया में डिज़ाइन इंस्टीट्यूट खोलेंगे, जहाँ पे हम लोग इंडिया के अंदर सिस्टम ऑन चिप और प्रोसेसर्स को यहाँ पे डिज़ाइन कर सके। इसके साथ ही NVIDIA जैसी कंपनी भी यहाँ पे काम करती है। यहाँ तक कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो चिप डिज़ाइनिंग के अंदर है, वो तो यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रही है और भी ज़्यादा क्वांटिटीज में आ रही है। लेकिन चिप फैब्रिकेशन की जब बात आती है ना, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज नहीं कर पाती। इवन NVIDIA जो अपनी AI चिप्स और अपने ग्राफिक कार्ड के लिए जानी जाती है, वो भी आज रिलाय करती है TSMC जैसी कंपनी के ऊपर। अब देखा जाए तो इंडिया के अंदर पिछले कुछ समय में स्टेट्स यहाँ पर चेंज हुई है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि तकरीबन कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए के ऊपर की इन्वेस्टमेंट होने वाली है, जहां पर इंडिया के अंदर आपको जो चिप्स होती है उनकी फैब्रिकेशन प्रोसेस फाइनली देखने को मिले। यहां पर बात करें तो सबसे पहले टाटा ग्रुप और जो पावर चिप TSMC रहती है, यहाँ पे इनका कोलैबोरेशन होने वाला है, जो इंडिया के अंदर तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए में धोलेरा गुजरात के अंदर ये लोग अपनी फैब्रिकेशन प्लांट लगाएंगे। और ये प्लांट जब लगेगा तो इंडिया का पहला फैब्रिकेशन प्लांट होगा जहाँ पे चिप्स को फैब्रिकेट किया जा सकता है। यहाँ पर 28nm, 40nm, 55nm और 110nm की चिप्स को बनाया जाएगा। अब देखने सुनने में तो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगता है कि कहाँ हम 2nm, 3nm की बात कर रहे हैं और कहाँ 28nm से लेके 55 और 110nm की बात हो रही है। बेसिकली बात है कि पुरानी चिप्स जो रहती है उनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है, काफ़ी सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। और एक बात बता सकता हूँ आप लोगों को यहाँ पे
कि यहाँ पे जो पुरानी चिप्स रहती है ये बहुत ही अच्छे एक एंट्री वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पर देखा तो हर किसी को हर एक इक्विपमेंट के अंदर आपको एक बिल्कुल ही एडवांस प्रोसेसर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ओल्ड प्रोसेसर होते हैं वो भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो और ये बहुत अच्छी चीज रहती है। और यहाँ पर अगर ये भी शुरुआत होती तो बहुत जबरदस्त चीज होगी। इसके साथ ही बात की जाए टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी, इसको लेकर जाएगा, ये भी इंडिया में अपनी टेस्टिंग और पैकेजिंग का प्लांट लगाने वाली है जो कि होगा असम के अंदर। ये बहुत अच्छी चीज है जहां पे जो चिप्स होंगे उनकी पैकेजिंग और टेस्टिंग वगैरह की जा सकेगी। इसी के साथ ही जो थर्ड प्लांट होगा वो होगा सीजी पावर रेनिसिस एंड स्टार माइक्रो के साथ, जो कि तकरीबन $1 बिलियन सनांद गुजरात के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वहां पर भी अपनी टेस्ट फैसिलिटी को यहां पे लगाएंगे। यानी कि देखा जाए तो तीन ऐसे जो प्लांट रहते हैं वो यहां पे ऑलरेडी यहां पे काम करेंगे, जिसके कारण से इंडिया में जो सेमीकंडक्टर वाली रेस है वहां पे वो आगे बढ़ सके। अगली चीज रहती है कि यहां पे माइक्रोन जैसी कंपनी ने भी यहां पे बोला था कि लास्ट ईयर की वो अपनी पैकेजिंग और टेस्टिंग की फैसिलिटी को इंटीग्रेट करेंगे और इंडिया में लेकर आएंगे। ये फैसिलिटी फैब्रिकेशन नहीं करेगी, ये फैसिलिटी यहां पर आपकी SSDs और जो रैम्स होती है उनको यहां पे मैन्युफैक्चर करेगी, जो कि काफी अच्छी चीज है। यानी कहने की बात ये देखा जाए तो आज से पहले हम स्मार्टफोन्स और ज्यादातर जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे पहले इंपोर्ट करते थे, फिर धीरे धीरे उनकी असेंबलिंग वगैरह इंडिया में शुरू हुई, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे अब हम मूव ऑन कर रहे हैं कि कैसे हम प्रॉपर तरीके से सारी चीजें यहाँ पर बना लें, और एक काफी अच्छा स्टेप है यहाँ पे। लेकिन बात की जाए तो सिर्फ यही एक स्टेप के ऊपर हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें यहाँ पे काम करना चाहिए चिप डिजाइनिंग के ऊपर। कोई ऐसा प्रोसेसर बनाओ जिसकी कंप्लीटली जो R&D और डिजाइनिंग हो वो इंडिया के अंदर हो, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट बहुत है और वो चीजें यहाँ पे कर सकता है। और देखा तो दुनिया की काफी सारी कंपनीज है वो यहाँ पे यही फोकस करी, जैसे NXP कंपनी है जो यहाँ पे चिप्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने के ऊपर काम कर रही है, और इंडियन इंजीनियर्स के साथ ये लोग काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। और इसी के साथ ही टाटा की पावर चिप सेमीकंडक्टर ग्रुप है, यहां तक की बात करें तो आपकी सैमसंग की सेमीकंडक्टर है, AMD 2028 तक कुछ लेकर आने वाली इंडिया के अंदर, AMD 2028 में डिजाइन सेंटर को यहां पर ओपन करने वाली है, यानी कि डिजाइनिंग के अंदर भी यहां पे काफी ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन बात की जाए तो सिर्फ यही एक चीज नहीं है, इसके साथ ही देखा जाए तो आज के समय जो दुनिया मूव कर रही है वो मूव कर रही है एडवांस AI चिप्स के अंदर, क्योंकि मोबाइल फोन वाली रेस थी वो हुई, अब वो निकल गई। मोबाइल फोन के अंदर प्रोसेसर की शायद अब इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है और इतने हाई परफॉर्मेंस की जरूरत ना पड़े, लेकिन जिस चीज के अंदर रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ रही है वो है NPU AI चिप्स। वहां पे अगर हम लोग AI चिप्स वाली चीज को क्रैक कर ले तो एक बहुत बड़ी चीज होगी, जहां पे इसकी डिजाइनिंग फैब्रिकेशन वगैरह सब कुछ कर सके। इवन डिजाइनिंग भी अगर AI चिप्स की अगर इंडिया में हो तो बहुत ही अच्छा काम होगा। फिलहाल के समय इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी के बारे में पता है जो आज के समय अपनी खुद की AI चिप डेवलप कर रही है, वो है कृत्रिम। उसके अलावा किसी और कंपनी का नाम मैंने नहीं सुना जो AI चिप के ऊपर स्पेसिफिकली यहां पर काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि फ्यूचर क्या रहता है, और फ्यूचर में जो रेस होगी वो आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के प्रोसेस से ज्यादा AI वाले प्रोसेसर्स के ऊपर थोड़ी ज्यादा होगी। देखते हैं AI चिप्स वाली रेस के अंदर इंडिया यहां पे क्या स्टैंड करता है। बाय द वे, अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू, बने रहने के लिए। मैं आप चलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।